हेलो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट काइंड अफेयर्स और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे दो क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न है भारत की पहली स्वदेश निर्मित इंजन रहित हाई स्पीड ट्रेन ट्रेन एट्टीन का नया नाम क्या है तो अभी हाल ही में ट्रेन एट्टीन का नाम बदला गया है इसका नाम बदल कर कर दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 ये दिल्ली से वाराणसी तक चलने वाली भारत की सबसे तेज स्वदेशी ट्रेन है तो इसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है इसका नाम ट्रेन 18 इसलिए था क्योंकि इसे 2018 में बनाया गया था तो इसलिए इसका नाम था ट्रेन 18 तो अब इसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है और ये दिल्ली से वाराणसी तक चलेगी और वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है बिनोद कुमार यादव को तो इनका नाम आप याद रखिए बिनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं अगला प्रश्न हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने महिला एकल इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब 2019 जीता है तो हाल ही में महिला एकल इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब 2019 जीता भारत की सायना नेहवाल ने और फाइनल मैच इनका स्पेन की कैरोलिना मैरिन के साथ हुआ था पहले कैरोलिना मैरिन साइना नेहवाल से काफ़ी आगे थी लेकिन बाद में उनके घुटने में चोट लग गई और इसलिए उन्हें बेबस होकर मैच से हटना पड़ा तो इसलिए साइना नेहवाल को विजेता घोषित कर दिया गया तो महिला एकल इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब 2019 हज़ार उन्नीस साइना नेहवाल ने जीता है और अगर बात की जाए पुरुष एकल इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब 2019 किसने जीता तो पुरुष एकल इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब 2019 जीता डेनमार्क के एंडर्स एंड ने डेनमार्क के एंडर्स एंड ने पुरुष एकल इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब 2019 जीता और इन्होंने फाइनल में हराया जापान के कैंटो मोमोता को अगला प्रश्न ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है नोवाक जोकोबिच और ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने फाइनल में स्पेन के राफेल नाडाल को हरा कर यह खिताब जीता है और अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता तो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब जीता जापान की नाओमी ओसाका ने और नाओमी ओसाका ने चेक गणराज्य की पैट्रा कु को हराकर कर ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब जीता है अगला प्रश्न अटल सेतु नामक 5.1 किलोमीटर लंबे केबल आधारित पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है तो अटल सेतु नामक 5.1 किलोमीटर लंबे केबल आधारित पुल का निर्माण किया गया है मांडवी नदी पर और गोवा में मांडवी नदी पर इस पुल का निर्माण किया गया है किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2018 के लिए हिंदी शब्द के रूप में घोषित किया गया है यानी कि हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2018 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है नारी शक्ति वर्ड को इससे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2018 के लिए इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था टॉक्सिक वर्ड को तो अब तो अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2018 के लिए हिंदी शब्द के रूप में नारी शक्ति शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है अगला प्रश्न किस राज्य की सरकार प्रवासी लाभांश पेंशन योजना शुरू करेगी तो प्रवासी लाभांश पेंशन योजना शुरू करेगी केरल की सरकार इस योजना के तहत केरल से जो प्रवासी हैं वो पांच लाख से पचास लाख रुपए तक की राशि जमा कर सकते हैं फिर उन्हें पैसा जमा करने के तीन साल बाद 12% परसेंट की लाभांश दर पर हर महीने पाँच हज़ार से पचास हज़ार रुपये तक की पेंशन दी जाएगी तो ये प्रवासी लाभांश पेंशन योजना केरल ने शुरू की है और ये योजना केरल ने शुरू की है तो हम थोड़ा सा केरल के बारे में जान लेते हैं केरल की स्थापना हुई थी एक नवंबर उन्नीस को केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन केरल के राज्यपाल हैं पी सताशिवम केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं कथकली मोनियाट्टम और कोलकली केरल में प्रमुख त्यौहार है ओणम और बिशु केरल में प्रमुख बांध है इडुक्की बांध इडुक्की बांध ये पेरियार नदी पर बना हुआ है और केरल में है मुल्ला पेरियार बांध ये भी पेरियार नदी पर बना हुआ है और केरल में है जिले चौदह केरल में लोकसभा सीट है बीस और राज्यसभा सीट है नौ अगला प्रश्न हाल ही में किस राज्य ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है तो हाल ही में युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को रोजगार देने के लिए ये युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा तो युवाओं को रोजगार देने के लिए युवा स्वाभिमान योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है और यहाँ पर बात हुई है मध्य प्रदेश की तो हम थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी एक नवंबर उन्नीस को मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और इसके अलावा आनंदीबेन पटेल ये छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलराम जी दास टंडन का निधन हो गया था तो इसलिए आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का सॉरी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक हैं कर्मा राई बधाई और भगोरिया। मध्य प्रदेश में प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क कान्हा राष्ट्रीय पार्क पन्ना राष्ट्रीय पार्क बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क माधव राष्ट्रीय पार्क और पेंच राष्ट्रीय पार्क और ये सभी राष्ट्रीय पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं तो आप याद रखिए मध्य प्रदेश में प्रमुख बांध है गांधी सागर बांध गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर बना हुआ है और मध्य प्रदेश में है बाढ़ सागर बांध जो कि सोन नदी पर बना हुआ है मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थान है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ये उज्जैन में स्थित है और मध्य प्रदेश में है खजुराहो के मंदिर खजुराहो के मंदिर जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और मध्य प्रदेश में है भीम बेटका की गुफाएं और दालों और सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश में जिले हैं बावन जिले मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट है उनतीस और राज्यसभा सीट है ग्यारह अगला प्रश्न उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप उद्यान किस जिले में बनाया जाएगा तो उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन बनाया जाएगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में और ये भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन होगा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में स्थित ट्यूलिप गार्डन के बाद ये भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन होगा और ये जो उत्तराखंड में ट्यूलिप गार्डन बन रहा है इसका आकार भी जो श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन है उससे बड़ा होगा तो उत्तराखंड का पहला टूलिप उद्यान ये पिथौरागढ़ ज़िले में बनेगा और ये भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन होगा और ये उत्तराखंड में बनेगा तो हम थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं जिम कार्बेट नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क और राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में प्रमुख बांध है टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध और ये दोनों ही बांध भागीरथी नदी पर बने हुए हैं उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं चोलिया और पांडव उत्तराखंड में जिले हैं तेरह जिले लोकसभा सीट है पाँच और राज्यसभा सीट है तीन अगला प्रश्न विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है पूनम खेत्रपाल सिंह को ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही है पूनम खेत्रपाल सिंह तो इन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है और यहां पर बात हुई है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी सात अप्रैल उन्नीस और को और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में इसके हेड हैं टेड्रॉस एठानोम टेड्रॉस एठानोम वर्तमान में डब्ल्यू के हेड हैं अगला प्रश्न जी डी पी आर रेडनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है तो जी डी पी आर रेड इंडेक्स में भारत है छठे स्थान पर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जी डी पी आर इंडेक्स में भारत है छठे स्थान पर जी डी पी आर की फुलफॉर्म है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन अगला प्रश्न एस बी आई कार्ड ने किसके साथ अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए प्रीमियम कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है तो एसबीआई कार्ड ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए प्रीमियम कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है एतिहाद गेस्ट के साथ अगला ने हाल ही में मिसेल ले ग्रैंड का निधन हो गया वे क्या थे तो मिसेल ले ग्रैंड ये एक म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि संगीतकार थे इनका हाल ही में निधन हो गया मिसेल ले ग्रैंड ये फ्रांस के संगीतकार थे और ये ऑस्कर विजेता थे इन्होंने तीन ऑस्कर पुरस्कार जीते थे तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आप याद रखिए मिसेल ले ग्रैंड ये फ्रांस के संगीतकार थे इनका हाल ही में निधन हो गया और कल के प्रश्न कल मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे थे पहला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया तो इसका सही आंसर था एक लोगों को और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था किस देश ने हाल ही में गन्ने के रस को देश का राष्ट्रीय पेय घोषित किया है तो इसका सही आंसर था पाकिस्तान ने और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है और आज आपका पहला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ भारतीय तंबाकू की पत्तियों को निर्यात करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं और आज आपका दूसरा प्रश्न है कौन सा बंदरगाह वैश्विक बंदरगाहों में सूचीबद्ध होने वाला भारत का इकलौता बंदरगाह बन गया है तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस डेली अपलोड करता हूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर